नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हम अपने हेयर फॉल को किस तरह से रोक सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा हेयर फॉल हो क्यों रहा है। अगर हम मेन कारण पता कर लें कि हमारा हेयर फॉल क्यों हो रहा है, तो ना सिर्फ हम उस कारण को ठीक करेंगे बल्कि उस कारण को ठीक करने से ही हमारे नए बाल भी ग्रो हो सकते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं कि किन कारणों से हेयर फॉल हो रहा है। मैंने उनकी 7 पॉइंटों की एक लिस्ट बनाई हुई है, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है केमिकल। केमिकल से मेरा मतलब है जो हम शैम्पू यूज़ करते हैं, कंडीशनर यूज़ करते हैं, हेयर कलर यूज़ करते हैं, या अपने वैक्स वगैरह जेल वगैरह बालों पे अप्लाई करते हैं। उन केमिकल से जो हमारा शैम्पू होते हैं हेयर वॉश के लिए, उसमें एक केमिकल डाला होता है सल्फेट, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। और उसके अलावा हम कब हेयर वॉश करते हैं, डेली बेसिस पे। जब हम डेली बेसिस पे हेयर वॉश करते हैं, तो ये स्किन है हमारी और ये हेयर है। इसकी एक मैंने ब्रीफ डायग्राम बनाई हुई है। ये है हमारे सबेसियस ग्लैंड, ये एक नेचुरल ऑयल रिलीज करते हैं जिसको सीबम कहा जाता है। ये जो ऑयल है, ये हमारे बालों को मॉइस्चराइज रखता है और हमारे बाल की हेल्थ ठीक रहती है। मगर जब हम डेली बेस पे शैम्पू करते रहते हैं, तो ये जो सीबम है, इसको हम ड्राई कर देते हैं और हमारा बाल थिन होते होते जड़ जाता है। सो हमें अपने बालों को रेगुलर बेसिस पे शैम्पू करना है, मगर रोज़ नहीं करना। और शैम्पू भी कौन से लाने हैं, पूरी तरह से हर्बल नेचुरल, जिनमें कोई केमिकल्स ना डले हों। मैं किसी भी कंपनी को यहाँ पे प्रमोट नहीं करना चाहता। आप सर्च कर सकते हैं कि कौन से शैम्पू हैं जो बिल्कुल हर्बल हैं। और दोस्तों, शैम्पू भी आपने रोज़ नहीं करना। अगर आपका जो डेली रूटीन है, इस तरह की आपके बालों में डस्ट बहुत जाती है, तो आप दही के साथ अपने बालों को धो सकते हैं। अब थोड़ा सा दही पानी निकाल कर अपने बालों पर अप्लाई करें और 5-10 मिनट के बाद उसको धो दें। दही में प्रोटीन भी मिल जाएगा हमारे बालों को, विटामिन ई भी मिल जाएगा, जो कि हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे बाल बहुत ही हेल्दी रहेंगे, जड़ेंगे नहीं। और शैम्पू आप सिर्फ हफ्ते में एक बार करो या दो बार करो, वो भी हर्बल। बाकी तौर पे आप दही वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा केमिकल के बीच में ही दूसरा फैक्टर है हेयर कलर का। आजकल जैसे प्री मच्योर ग्रेइंग हो रही है, यंग एज के बच्चों के भी बाल ग्रे हो रहे हैं, वाइट हो रहे हैं, तो वो हेयर कलर यूज़ करना शुरू कर देते हैं। या कुछ बच्चे फैशन के तौर पर भी हेयर कलर करते हैं, वो अलग अलग तरह के कलर्स अपने बालों को कराते हैं, वो भी बिल्कुल केमिकल्स हैं और बालों को ख़राब कर रहे हैं। आपने क्या करना है कि हेयर कलर भी जहाँ तो आपने हर्बल यूज़ करने हैं, और फैशन के तौर पे जो करते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप यूज़ करें ही ना। और जिन्होंने बाल सफ़ेद बालों को ढकने के लिए हेयर कलर यूज़ करना है, आप इसको डिले करें, लेट से लेट इसको यूज़ करें, ताकि जो केमिकल इफेक्ट हमारे बालों पर हो रहा है कम हो और हमारे बाल इन खतरनाक केमिकल के इफेक्ट से बचे रहें। इसके अलावा दोस्तों, जब हम वैक्स लगाते हैं अपने बालों पे, तो बिल्कुल हमारे बालों के ऊपर एक लेयर बना देता है हार्ड सी, जिसके कारण हमारे बाल स्टिल हो जाते हैं और मूव नहीं करते। उससे भी क्या होता है, हमारे बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते जो स्किन के अंदर से मिलने होते हैं, और बाल थिन होता होता टूट जाता है, बाल जड़ जाते हैं, और वहाँ से हमारे बाल दोबारा रीग्रो होने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी सलाह और है, कभी भी अपने गीले बालों पर कंघी ना करें। कि जब भी हम सर धो के आते हैं, गीले बालों में कंघी यूज़ करते हैं, तो उस समय जो बाल है हेयर फॉलिकल्स में थोड़े लूज हुए होते हैं और कंघी के साथ झटक के बाहर निकलते रहते हैं। बालों को एक बार ड्राई होने दें, उसके बाद कंघी यूज़ करें। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरा कारण है वो है हीट। अब ये भी कारण पहले के साथ ही रिलेटेड है। बाल धोने के बाद बाल नेचुरली तरीके से सूखने देने, उस पर ड्रायर यूज़ नहीं करना। आप ड्रायर यूज़ करते हैं, वो बालों के लिए बहुत ख़तरनाक है। ज़्यादा हीट लगने से भी बाल डैमेज होते हैं। कुछ हमारी बहनें बाल स्ट्रेटिंग करने के लिए स्ट्रेटनर का यूज़ करती हैं, वो भी बालों की स्किन के लिए बहुत ख़तरनाक है। और अल्ट्रावायलेट रेज जो सूरज की है, आप धूप में ज़्यादा देर घूमते हो, वो भी बालों की हेल्थ के लिए ख़तरनाक है। ड्रायर और जो बाल स्ट्रेटनर है, वो आप यूज़ ना करें। और ज़्यादा धूप में बाहर जाते हुए आप अपने बालों को कैप से ढक के जा सकते हैं, जिससे आपके बाल बचे रहें। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस से तो आज के टाइम में कोई बचा है ही नहीं। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप स्ट्रेस ना लें, क्योंकि कोई भी स्ट्रेस लेता नहीं है, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आती है। और जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं, हमारे ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो कि हमारी हेयर हेल्थ के लिए और गट हेल्थ के लिए, पेट की हेल्थ के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। और दोस्तों, अगर आपका पेट और हेयर हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो जाए, तो सबसे मेन कारण ही सारी बीमारियों की जड़ ही हमारी पेट है, बालों के लिए भी और भी तरह की बीमारियों की भी। सब स्ट्रेस कम से कम लें। स्ट्रेस ना आए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। जब हम वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि एंटी स्ट्रेस हॉर्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, जिसके साथ हमारी बॉडी में स्ट्रेस नहीं आती। उसके अलावा आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तो हम अपने आप को भगवान के शरण में समर्पित कर देते हैं कि हे भगवान, हमारी जो भी टेंशन्स हैं, जैसे हम तुम्हारे बालक हैं, ये भी तुम्हारी चिंताएं हैं, इनको तुम दूर करो। एक एज मिलता है, एक सहारा मिलता है सबकॉन्शियस माइंड को, कि कोई है हमारा पिता जो हमें सहारा दे रहा है।
और हम अपनी स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों चौथा कारण है DHT। DHT क्या होता है? ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। DHT वैसे हार्मोन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारी मेल वॉइस के लिए, हमारी सेक्सुअल पावर के लिए। जिस तरह हमारे मेल्स में एक हार्मोन बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होता है, वो है टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो 10-15% कन्वर्ट होता है DHT में। 10-15% अगर वो कन्वर्ट होता रहे तो बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है, लेकिन कई बार वो ज़्यादा मात्रा में कन्वर्ट होने लग जाता है तो वो क्या करता है, DHT आगे जाकर हमारे हेयर फॉलिकल के साथ स्टिक हो जाता है। जब वो हेयर फॉलिकल्स के साथ स्टिक हो जाएगा तो हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे और उसके कारण हेयर थिन होता टूट जाएगा। दोस्तों DHT को ब्लॉक करने के लिए, DHT को रोकने के लिए आप कुछ फूड्स का सहारा ले सकते हैं, जिस तरह से आप वॉलनट्स यूज़ कर सकते हैं, अखरोट जो हम खाते हैं ड्राई फ्रूट्स में अखरोट खा सकते हैं, पीनट्स यूज़ कर सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, ये सब चीज़ें जो नट्स हैं DHT ब्लॉकर हैं। खाने कितने हैं आपने रात को, जैसे आजकल गर्मी है और बादाम अखरोट गर्म होते हैं, इनको भिगो के रख देना है। कितने भिगोने हैं आपने, एक मुट्ठी में लेने हैं। जितने आपकी एक मुट्ठी में आ जाएं उतनी मात्रा इनफ है आपके एक दिन की हेल्थ के लिए। आपने उतने ही नट्स खाने हैं। इसके अलावा आप फलों में तरबूज और आम खा सकते हैं, इनमें भी नेचुरल DHT ब्लॉकर हैं। उसके अलावा सैलड में आप गाजर और टमाटर खा सकते हैं, ये भी नेचुरल DHT ब्लॉकर हैं। आप अपने ऑफिस में, अपनी शॉप पे, जहाँ पे भी आप काम करते हो, बैग में थोड़ा सा सलाद, एक मूली और एक टमाटर काट के लेके जा सकते हैं। इसके साथ आपको डेली मात्रा में DHT ब्लॉकर मिलता जाएगा। जो हमारे नट्स हैं उनको आपने सुबह खाली पेट खाना है। और इसके अलावा फ्रूट्स जो दोनों मैंने आपको बताए हैं, अगर अवेलेबल है, सीज़न है, तो आप इनको ट्राई करें, इनके साथ DHT ब्लॉक होगा। इसके अलावा आप ग्रीन टी का सहारा ले सकते हैं, ग्रीन टी पीने से भी नेचुरल DHT ब्लॉक होता है। और इसके अलावा पम्पकिन सीड्स खा सकते हैं, जो पम्पकिन सीड्स हैं वो भी नेचुरली DHT ब्लॉक करते हैं। तो ये चार कारण हो गए जिनके कारण आप अपने बालों को ब्रेकडाउन होने से बचा सकते हैं और नए बाल भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन क्या है? जो हमारी बॉडी की खुराक है, जो हम इसको ऐसे तत्व दे रहे हैं जिससे हमारे शरीर को ताकत मिल रही है। न्यूट्रिशन में वो वॉलनट्स आ गए जो हमने खाने हैं, बादाम वगैरह आ गए, फ्रूट्स आ गए, सैलड आ गए, जो हमने DHT ब्लॉक करने के लिए बताए थे। और हमारे बाल किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। प्रोटीन मेन फैक्टर है जिससे हमारे बाल बने होते हैं। आपने अपना डेली मात्रा का प्रोटीन जितना आपको चाहिए, हर बार मैं बताता ही हूँ कि अगर आप जिम नहीं करते, पर केजी बॉडी का 1 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए अगर जिम नहीं करते। अगर जिम करते हो तो पर केजी वेट का 2 ग्राम चाहिए। मान लो आपका वेट 70 केजी है, आप जिम नहीं करते तो 70 ग्राम प्रोटीन जरूर लें, वो आपके बालों के लिए भी और बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपको लेने होंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें कहाँ से मिलेंगे? चिया सीड्स से, फ्लैक्स सीड जो हम अलसी खाते हैं, उसके अलावा हमें अपने ड्राई फ्रूट से, अखरोट वगैरह से मिल जाएंगे, जो कि मैंने DHT ब्लॉकर में भी आपको बताया है। जो न्यूट्रिशन है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, वो न्यूट्रिशन पावर भी आपकी बॉडी को दे रहे हैं, DHT भी रोक रहे हैं। कुछ इस तरह के नट्स हैं जो कि हमें स्ट्रेस से भी रिलीफ दिलाते हैं, जैसे हम अपना ग्रीन टी पीते हैं, ग्रीन टी भी एक स्ट्रेस रिलीफ करता है हमारी। सो न्यूट्रिशन आपने सही रखना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आपने अपनी बॉडी से फैट रिमूव करनी है, चाहे DHT ब्लॉक करना है, चाहे अपने बालों की हेल्थ अच्छी लेके जानी है। इसके अलावा हमें चाहिए आयरन। आयरन कहाँ से मिलेगा, कौन से ऐसे फूड्स हैं? उनमें हमारी है पालक, आप पालक यूज़ करें, ब्रोकली आप ब्रोकली खा सकते हैं। आप रूटीन बनाएं कि एक फुल ब्रोकली का सुबह ले आएं और दिन में एक बार ब्रोकली जो कि आयरन देगी, गाजर और टमाटर जो कि DHT ब्लॉक करेंगे, इनका सैलड खाना शुरू करें। और हमें आयरन कहाँ से मिल सकता है? हमारे नट्स से मिल सकता है। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आयरन को अब्जॉर्ब करने के लिए हमें चाहिए विटामिन सी। अगर हम विटामिन सी नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी आयरन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है? अब देखो ये सब चीज़ें न्यूट्रिशन में ही आ रही हैं कि हमने क्या खाना है। इनका कॉम्बिनेशन ही हमने इस तरह का बनाना है कि हमें दवाइयों की, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ना पड़े। विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है? लेमन से, ऑरेंज से, आंवला खा सकते हो आप। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सुबह उठ के ड्राई फ्रूट्स जो हमने खाने को बताए हैं उनके साथ आंवला की कैंडीज आती हैं या आंवला का मुरब्बा लें, किसी भी फॉर्म में आंवला खाएं, हर फॉर्म में वो आपके बालों के लिए बहुत हेल्पफुल है। आंवला को आप लें, इन चीज़ों से मिलेगा विटामिन सी और वो आगे जाकर आयरन को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। उसके अलावा प्रोटीन, ओमेगा 3 अपना पूरा रखें। ओमेगा 3 हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी है।
हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर बॉडी में ऐड करें किसी ना किसी फॉर्म में, चिया सीड से, अलसी से, फ्लैक्स सीड से, ड्राई फ्रूट से, नट्स वगैरह से ओमेगा 3 हमें मिलता रहेगा। इसके अलावा छठा कारण क्या है, ब्लड फ्लो। अगर हम सारे न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में अच्छी तरह से डाल रहे हैं लेकिन हमारा ब्लड हमारे ब्रेन तक पहुंच ही नहीं रहा, जो ब्लड है वो हेयर फॉलिकल्स तक पहुंच ही नहीं रहा, तो किस तरह से न्यूट्रिशन हमारे बालों को ठीक रखेंगे, नहीं रख सकते। ब्लड फ्लो करने का, बालों तक करवाने का क्या कारण है, आप ज़्यादा देर बैठे रहने वाला लाइफस्टाइल ना रखें, आप वर्कआउट करें, योगा करें, शीर्षासन बहुत ज़रूरी है। अगर आप शीर्षासन करते हो तो जो ब्लड है, शीर्षासन क्या होता है कि आपने अपना हेड डाउन करके लेग्स को ऊपर करना है, ब्लड एकदम से हमारे सर की तरफ जाता है। दिन में 2 बार करें, किसी भी तरह का वर्कआउट करते हैं तो ब्लड फ्लो करता है हमारी वेंस में, न्यूट्रिशन लेके जाता है हमारे बालों तक, बहुत अच्छा है हमारे लिए। क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ये न्यूट्रिशन जीरो हो जाएगा हमारा, ये जीरो हो जाएगा अगर हम वर्कआउट नहीं करेंगे, ब्लड फ्लो नहीं पहुँचाएंगे। इसके अलावा आप हेयर मसाज ट्राई कर सकते हो। हेयर मसाज इस तरह नहीं करनी कि जोर जोर से अपने बालों को रगड़ना है, जो बाल पड़े हैं उनको वैसे ही उखाड़ देना है। अपने पोर्स के साथ बहुत स्मूथली दिन में 2-3 बार आप हेयर मसाज करवाएं, किसी से करवाएं या आप खुद करें। उससे क्या होगा, जो हमारी स्किन है वो हीट अप हो जाएगी, और जब भी हमारी स्किन हीट अप होगी हमारी बॉडी ब्लड को भेजेगी उस हीट को कम करने के लिए। और ब्लड क्या है, ब्लड लेके जा रहा है आपके न्यूट्रिशंस को, ब्लड न्यूट्रिशंस को लेके जाएगा हेयर फॉलिकल्स तक हीट को कम करने के लिए, और आपके बालों को न्यूट्रिशन मिलेगा, बाल स्वस्थ होते जाएंगे। तीसरा कारण क्या है, जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स वाला जो कारण है मुझे पर्सनली इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आता। जेनेटिक्स का मतलब है कि अगर आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स, आपके पापा दादा, पापा जान के आपके दादाजी, आपकी मदर साइड में उनके फादर, आपके मामा, उनके बाल कम हैं तो आपके भी कम होंगे। मुझे क्यों नहीं समझ आता, क्योंकि हो सकता है उन्होंने न्यूट्रिशन अच्छे से ना अपने रखे हों, उन्होंने अच्छी तरह से वर्कआउट करके या किसी भी तरह से अपने बालों को न्यूट्रिश ना किया हो, बालों की हेल्थ खराब कर ली हो, कोई हीट अप किए हों, ड्रायर यूज़ किए हों, तो उन्होंने क्या इसका क्या क्या मतलब है कि आगे हमें भी उसे उनके जो उन्होंने किया है उस कारण हेयर लॉस होगा, नहीं होगा। आप अपने न्यूट्रिशन ठीक रखो, अपने जेनेटिक्स को आप ध्यान में ज़्यादा ना दें। आप न्यूट्रिशन अच्छा रखें, वर्कआउट करते रहें, बालों के ऊपर ज़्यादा केमिकल्स ना लगाएं, हेयर ड्रायर ना यूज़ करें। जेनेटिक्स फैक्ट करता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करता जितना इसका हवा बना रखा है। जेनेटिक्स तो लोग ऐसे बोल देते हैं कि कुछ भी ना करें हम, चाहे हम अपने ब्लड फ्लो नहीं लेके जा रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, डीएचटी नहीं ब्लॉक कर रहे, और सबका बांडा फोड़ दें जेनेटिक्स के ऊपर कि हमारे तो जेनेटिक्स ही ऐसे हैं, हमारे पापा के भी बाल जड़ रहे थे इसलिए हमारे जड़ रहे हैं। जेनेटिक्स बहुत कम मायने रखता है। ये चीज़ें आप पूरी रखो, अगर आपके बाल 30 की उम्र में जड़ेंगे तो 50 तक आप ले जाओगे, 40 की उम्र में जड़ेंगे तो आप 60 तक ले जाओगे। जेनेटिक्स को मैं सबसे लास्ट में इसलिए रखता हूँ। बाकी कुछ चैनल्स, कुछ यूट्यूबर भाई हैं जो इनको ऊपर रखते हैं, उनकी मर्जी है, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। वो कहते हैं ना, बात बने ना बने अलग बात है, हम कोशिश ना करें गलत बात है। हमने अपनी तरह से कोशिश पूरी रखनी है कि हम अपने बाल पे कोई केमिकल ना लगाएं, बालों को हीट ना दें, स्ट्रेस ना लें, वर्कआउट करें जिससे कि स्ट्रेस रिलीफ होता रहता है। ऐसे केमिकल्स आते हैं स्ट्रेस हटा देते हैं, डीएचटी ब्लॉक करें, न्यूट्रिशन पूरे रहें, ब्लड फ्लो करें, तो कोई कारण ही नहीं कि हमारे बाल जड़ने शुरू हो जाएं। सो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन। अब इन फैक्टर्स का ध्यान रखें, अच्छी डाइट लें, आप अपने बालों को ज़्यादा देर तक हेल्दी रख पाओगे और नए बाल भी ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।